अब अमेरिका सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। H-1B वीजा पर रोक लगाई गई है। अमेरिका में काम करने की इच्छा रखने वाले भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B के साथ साथ अन्य तरह की कामकाजी वीजा का सस्पेंशन फिलहाल इस साल के अंत तक के लिए बढ़ा दिया है। इस कदम से करीब 5,25,000 पद खाली होंगे ताकि अमेरिका में मूल निवासियों को रोजगार मिल जाएगा। सीमा विवाद के बीच नेपाल ने भारत की ओर से किए जा रहे बांध मरम्मत के कार्य को रोक दिया है। बिहार में अफसरों की ओर से बातचीत की पेशकश को भी नेपाल ने ठुकरा दिया है और अपनी जीत पर अड़ा है। इस वजह से बिहार में 2017 की तरह बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल की इस हरकत से बिहार में बने बाढ़ के खतरों को टालने के लिए क्या किया जा सकता है, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को बैठक करेंगे। इस बैठक में राज्य के जल संसाधन विभाग और अन्य उच्च स्तरीय अधिकारी शामिल होंगे। दिल्ली में भारत चीन संकट पर चर्चा के लिए बुलाई गई पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि लद्दाख में भारत चीन सीमा पर एक बड़ा संकट हो गया है। भविष्य में क्या होगा ये तो अभी नहीं पता, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि परिपक्व कूटनीति और निर्णायक नेतृत्व सरकार को हमारी क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने में मददगार होगी। उन्होंने साथ ही अर्थव्यवस्था संकट पर भी चिंता जाहिर की और कहा कि भारत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कोरोना वायरस की महामारी और अब चीन के साथ सीमा पर संकट, इन संकटों का कारण बीजेपी का कुप्रबंधन और उसकी गलत नीतियां है। कोरोना वायरस की महामारी ने दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है, लेकिन अब तक इसकी कोई दवाई नहीं बनी। अब योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी का दावा है कि उन्होंने इस महामारी को मात देने वाली दवा तैयार की है। ऐसे योग गुरु रामदेव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। रामदेव बोले कि आज एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन को लीड कर रहा है। हमने कोरोनिल बनाई है जिसमें हमने क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की और 100 लोगों का टेस्ट किया गया। 3 दिन के अंदर 65% रोगी पॉजिटिव से नेगेटिव पाए गए। शिवसेना भवन 8 दिन के लिए बंद किया जाएगा। एक शिवसेना कार्यकर्ता के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता शिवसेना भवन में रोज आता जाता था, इसलिए पूरे शिवसेना भवन को सैनिटाइज किया गया है और साथ ही 8 दिन पूरी तरीके से दैनंदिन व्यवहार बंद रखा जाएगा। बैंक में नौकरी के लिए भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अब खुशखबरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत 326 पदों की उम्मीदवारी का चयन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाँव के विकासों के लिए योजना शुरू की थी, उसका ज्यादा असर नहीं देखा गया और न ही इससे कोई जरूरी मकसद पूरा हो पाया है। यह जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना के प्रदर्शन पर कराए गए एक सर्वे के बाद कहा है। प्रधानमंत्री और से शुरू हुई योजना का नाम सांसद आदर्श ग्राम योजना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए भाषण में इस योजना का ऐलान किया था। इस साल ऋचा चड्ढा ने अपने बॉयफ्रेंड अली फजल संग शादी होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उनकी शादी पोस्टपोन हो गई है। ऋचा ने इंस्टा पर अपनी शादी के पोस्टपोन होने को लेकर एक मजेदार मीम शेयर किया है। फिल्म्स गैंग्स और वासीपुर के 8 साल पूरे होने पर ये सेलिब्रेशन को अपने वेडिंग प्लान से कनेक्ट किया है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले के बाद बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में नेपोटिज्म और भेदभाव को लेकर बहस तेज हो गई है। सोनू निगम द्वारा कई बड़ी म्यूजिक कंपनियों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अब सिंगर अदनान स्वामी और अलीशा चिनॉय भी म्यूजिक माफियाज के खिलाफ खड़ी हुई है। अदनान ने अपनी एक पोस्ट में लिखा है कि नए टैलेंट का शोषण किया जा रहा है और क्रिएटिविटी को कंट्रोल किया जा रहा है। कोरोना वायरस का कहर झेल रही मुंबई के लिए जुलाई का महीना राहत ला सकता है। बीएमसी कमिश्नर आईएएस चहल ने दावा किया है कि जुलाई मध्य तक मुंबई में कोरोना पर पूरी तरह से नियंत्रण की तैयारी की है। कमिश्नर ने अपने दावे में समर्थन में कहा है कि मुंबई में कोरोना मरीजों का डबलिंग रेट 37 दिन तक पहुंच गया है। कई इलाकों में डबलिंग रेट 39 दिन तक पहुंच गया है।
आवाज नेशनल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आप बन सकते हैं हमारे मोबाइल रिपोर्टर। मानसून सड़क, ट्रेन, बस, रास्ते में होने वाली समस्याओं को आप करें अपने मोबाइल में कैद। वहां मौजूद लोगों से पूछें उनकी समस्याएं और हमें भेज दीजिए इस नंबर पर। अगर आप चाहें तो मेल के जरिए भी आप इस एड्रेस पे हमें आपकी खबर